प्लस टू के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एज यू नो दैट वी हैव डिस्कस इन क्लास प्लस वन ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक हैव डिफरेंट बिहेवियर देन दैट ऑफ अदर ग्रुप मेंबर। इसके चार सॉलिड रीजन बताए गए थे भी आपको। पहला रीजन आपको बताया गया था, इट हैज वेरी स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत छोटा होता है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा जो रीजन बताया गया था, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और फोर्थ, दे हैव एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ड्यू टू दीज फोर प्रॉपर्टी दे हैव डिफरेंट बिहेवियर देन अदर ग्रुप मेंबर। दूसरे ग्रुप मेंबर से इनका जो बिहेवियर होता है वो अलग पाया जाता है। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने अलग शो करता है दूसरे ग्रुप मेंबर से। सबसे पहले हम बात करते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड में। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग के द्वारा विद इट्स ऑन एटम एज वेल एज इट्स अदर एटम। अपने खुद के एटम के साथ भी बना सकता है और दूसरे एटम्स के साथ भी बना सकता है, बट अदर ग्रुप मेंबर डू नॉट हैव दिस एबिलिटी मच। दूसरे ग्रुप मेंबर के पास ये एबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। कैटिनेशन भी एज लाइक एज ग्रुप 14 दीज एलिमेंट कैन आल्सो शो द कैटिनेशन पावर बट ड्यू टू स्मॉल साइज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रिपेल ईच अदर हेंस द सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी स्मॉल। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो 159 किलो जूल पर मोल होती है। इन केस ऑफ फॉस्फोरस इट इज 213 किलो जूल और आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर नाइट्रोजन हैव लिस्ट एबिलिटी टू फॉर्म द कैटिनेशन और लिस्ट कैटिनेशन पावर। इट कैन ओनली फॉर्म द ट्राई एटोमिक आयन, ये केवल तीन एटम की चेन ही बना सकता है। उसके बाद रिएक्टिविटी भी, नाइट्रोजन हैव ट्रिपल बॉन्ड भी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है विच हैज 941 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इन तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी की हमें आवश्यकता पड़ती है। दिस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी गिवन इन ए केमिकल रिएक्शन सो नाइट्रोजन विल बिकम वेरी लेस रिएक्टिव। नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन अदर ग्रुप मेंबर आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। इवन फॉस्फोरस कैन इग्नाइटेड इन एयर, फॉस्फोरस जो है वो एयर के अंदर इग्नाइट हो जाता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम कोवेलेंसी भी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन हैव कोवेलेंसी 4 बट अदर ग्रुप मेंबर कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी टू 5 और 6 भी। डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, अदर ग्रुप मेंबर हैव डी ऑर्बिटल बट नाइट्रोजन डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल सो इट कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ये आपका डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। नॉन मेटेलिक इन नेचर, जो नाइट्रोजन है इट हैज हाइएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी। आफ्टर नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ट्राई नेगेटिव आयन, जो आपका नाइट्रोजन है इट कैन फॉर्म ट्राई नेगेटिव आयन, ये जो है N3 नेगेटिव आयन बनाता है। फॉस्फोरस हैव स्मॉल टेंडेंसी बट अदर मेंबर कैन नॉट फॉर्म द ट्राई नेगेटिव आयन। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड भी,
नाइट्रोजन कैन फॉर्म फाइव ऑक्साइड एंड दे कैन फाउंड इन मोनोमेरिक फॉर्म भी, बट अदर ग्रुप मेंबर ऑक्साइड आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए डाइमर। बाकी जो ग्रुप मेंबर के ऑक्साइड है वो डाइमर के रूप में पाए जाएंगे। नेचर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम। इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण जो है ये जो हाइड्राइड हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर ज्यादा पाई जाती है। नेचर ऑफ हैलाइड, हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ए लीस्ट स्टेबल, ओनली NF3 इज स्टेबल, अदर हाइड्राइड हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज अनस्टेबल, बट अदर ग्रुप मेंबर कैन फॉर्म द स्टेबल हैलाइड्स भी, दूसरे ग्रुप मेंबर जो है वो स्टेबल हैलाइड से बनाते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन गैस, इट्स प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में कल हम बातें करेंगे भी।